हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, वो भी बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, और बहुत ही कम मसाले में ये बनने वाला है, और ये आप गर्मा गर्म पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। फिर इसकी स्किन जो है उसको रिमूव करके मैंने हाथ से इसको तोड़ लिया है। तो देख सकते हैं, मैंने इसको हाथ से तोड़ लिया है। और अगर आपको नाइफ से कट करके आज सब्जी बनानी है तो आप नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से सब्जी की ग्रेवी जो है बहुत बढ़िया बनती है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं अभी डालूंगी तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच तेल डाला है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और देखिए, तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा, लगभग हाफ टी स्पून जीरा मैं डालूंगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 करी लीव्स। और करी लीव्स डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, बस। और कुछ भी मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। हम धनिया पाउडर जितना डालेंगे उसका आधा जीरा पाउडर डालेंगे। फिर इसको मैं तेल में मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो हमने तोड़ के रखा था ना वो। फिर इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए ही मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी सी आलू की कलर चेंज हो जाएगी बस। देखिए, लगातार ऐसे हम चलाते रहेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम में ही रखेंगे। तो देखिए, मैंने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। आलू की कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है। ज़्यादा हमें पतला ग्रेवी नहीं बनाना है, थोड़ा सा लटपटा सा बनाएंगे। और ये सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे करी की लुक्स जो है ना बहुत बढ़िया आएगी। और आप तीखी वाली रेड मिर्च भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हमने हरी मिर्च भी डाला है तो ये तीखापन तो आ जाएगी करी में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और सारे मसालों को अभी आलू के साथ मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको उबालने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए, इसमें उबाल आ चुकी है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखा था और एक उबाल आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम में कर दिया है। और मीडियम फ्लेम में मैं इसे ऐसे ही उबालूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। और देखिए, इस करी में हमने कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है, बहुत ही कम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर बस, और कुछ भी नहीं ऐड किया है। और यह करी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। मेनली ये पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार पूरी के साथ ये करी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसमें हमने जो करी लिप्स डाला है ना, उसकी फ्लेवर करी में बहुत बढ़िया से अच्छे से निखर के आती है। तो करी बहुत स्वादिष्ट बनती है। और देखिए, 5 मिनट उबलने के बाद हमारी करी के लुक्स देख सकते हैं, कितनी यमी दिख रही है। और ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी है। ऐसे ही हम बंद करेंगे गैस को, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना थोड़ी सी गाढ़ा हो जाती है ग्रेवी। तो देखिए, बहुत ही कम मसाला में बिना प्याज लहसुन का आलू की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।